फर्स्ट क्लास, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। हाउ आर यू किड्स? टुडे आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू बुक टू यू, कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज वर्कबुक। सो इन दैट वीडियो आई इंट्रोड्यूस्ड यू टू योर कोर्स बुक एंड दिस इज वर्कबुक। जो वो वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था वो कौन सी बुक थी, कोर्स बुक थी, और ये वर्कबुक थी। एज यू नो कि आपका इंग्लिश का कोर्स चेंज हो चुका है तो आपकी 3 बुक्स हैं, तो फर्स्ट वन इज़ ग्रामर केयर, द सेकेंड वन इज़ कोर्स बुक एंड द थर्ड वन इज वर्क बुक। सो हियर वी गोना स्टार्ट अवर वर्क बुक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि आपकी 3 बुक्स हैं। अब देखिए ये वर्क बुक है, यहाँ पे आपने देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स हैं। ये देखिए जो कोर्स बुक में कंटेंट्स हैं वही टाइटल के कंटेंट्स हैं यहाँ पे, बट इसका टॉपिक एकदम अलग है और वो जो कोर्स बुक है वो अलग है, वर्कबुक अलग है। इसमें एक्टिविटीज़ है, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ है, उसमें कम एक्टिविटीज़ है, इसमें एक्टिविटीज़ ज़्यादा है। ये देखिए टाइटल वही है कोर्स बुक वाले, बट है ना इसमें जो कंटेंट्स है वो काफ़ी अलग है, मतलब इसके जो अंडर के टॉपिक है वो अलग है। अभी यहाँ पे देखिए मनु एंड हिज फैमिली, वो कोर्स बुक में भी यही चैप्टर था, बट उसमें पूरा चैप्टर था, उसमें उसकी मनु और उसकी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था मैं, और उसमें भी एक्टिविटीज़ से उससे रिलेटेड आंसर्स थे। इसमें भी एक्टिविटीज़ है बट उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ नहीं है, इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ है। अब देखिए यूजिंग ग्रामर, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स। अब मैंने इन योर ग्रामर वीडियो, मैंने जो ग्रामर वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको पूरा नेमिंग वर्ड्स और उसमें पूरा नाउन मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, क्योंकि ग्रामर गियर में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो नाउन का ही है, तो उसमें आप जाके देख सकते हो कि नेमिंग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। इधर मैं सीधा आपको एक्टिविटीज़ बता देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए इमरान इज़ गोइंग टू द मार्केट। अब इसमें कौन कौन से नेमिंग वर्ड्स है, एक तो है इमरान, ये देखिए यहाँ पे कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली ये नेमिंग वर्ड होगा इमरान, क्योंकि वो एक इंसान का, एक आदमी का नाम है, एक बॉय का नाम है या एक मैन का नाम है। इज़ गोइंग टू द मार्केट, मार्केट मीन्स क्या होता है, जहाँ पे अपने ख़रीदारी करने जाते हैं, तो मार्केट भी एक प्लेस का नाम है, ये तो पर्सन का नाम है, ये प्लेस का नाम है, तो क्या हो गया ये दोनों नेमिंग वर्ड्स। आई लिव इन कोलकाता, कोलकाता भी एक प्लेस है तो वो भी नेमिंग वर्ड हो गया। पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, अब पेरिस जो है ठीक है वो भी एक प्लेस है, फ्रांस भी एक प्लेस है, तो ये दोनों क्या हो गए नेमिंग वर्ड। नव्या लाइक्स केक, नव्या को केक पसंद है, तो नव्या तो है वो पर्सन का नेम है तो वो भी नेमिंग वर्ड हो गया। लाइक केक, केक एक थिंग का नाम है, खाने वाली चीज़ का नाम है, तो केक भी एक नेमिंग वर्ड है, तो उस पर नीचे भी अंडरलाइन आएगा। मीरा एंड राधिका प्ले बैडमिंटन, मीरा और राधिका ये पर्सन के नेम है ठीक है, और बैडमिंटन जो है वो क्या है एक गेम है, तो वो भी गेम का नेम है, तो वो भी क्या हो गया नेमिंग वर्ड। माई कैट इज़ कॉल्ड जिंजर, मेरी कैट को हम जिंजर, उसका नाम क्या है जिंजर, तो माई कैट मीन्स कैट जो है वो एनिमल का नेम हो गया, जिंजर मीन्स उसका नाम है, तो ये भी नेमिंग वर्ड हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि नेमिंग वर्ड कौन से हैं। अब यहाँ पे देखिए इज एम आर, मैंने आपको ये वाला जो टॉपिक है वो ग्रामर में आपका आएगा अलग से, किसके साथ इज यूज़ होता है, किसके साथ एम यूज़ होता है और किसके साथ आर यूज़ होता है, ओके। तो इसके भी अलग से टॉपिक पे, इस टॉपिक पे भी अलग से एक वीडियो बनेगा। टिल देन आपको ये ध्यान में रखना है कि यू आता है उसके साथ हमेशा आर यूज़ होता है। यू मीन्स क्या होता है तुम, हम किसी सामने वाले पर्सन को जब हम एड्रेस करके कोई चीज़ बोलते हैं, जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो क्या बोलोगे यू, और जैसे आप अपने मदर से फादर से बात करोगे तो यू, आप किसी और से बात करते हो एक व्यक्ति से तो उसे हम क्या बोलते हैं यू, और यू के साथ हमेशा क्या आता है आर, और आई किसके लिए यूज़ होता है, आई हमारे खुद के अपने लिए यूज़ होता है। कोई भी जैसे हमारी बात हो रही है, जैसे आई एम अशोक, आई लिव इन रतनगढ़, मतलब मैं हमारे लिए, जब हम खुद अपने लिए कोई चीज़ यूज़ करते हैं तब आई यूज़ होता है, और आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, यू के साथ तो यूज़ होता है आर, आई के साथ यूज़ होता है एम, और आई के साथ देखिए यूज़ होता है एम, और दिस के साथ दिस दैट दोज दिस, इनके सब के साथ इज़ यूज़ होता है।
आई होप के समझ में आ रहा है। और सिंगुलर आदमी है, जैसे कोई सिंगुलर पर्सन का नेम है, जैसे सिंगुलर कोई बॉय का नेम है, नरेश, महेश, सुरेश, इन सब के साथ इज यूज होता है। लड़से सिंगुलर लड़की का नाम है, मीन्स एक ही लड़की का नाम है, सीता, गीता, मीता, तो उसके साथ भी इज यूज होता है। कोई बर्ड है, ठीक है ना, जैसे कैट है, एनिमल है, ओके, और बर्ड है जैसे पिजन, क्रो, तो इन सब के साथ भी क्या यूज़ होता है, इज। और जब प्लूरल हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ आर यूज़ होता है, जैसे कैट्स, डॉग्स, बर्ड्स, इन सब के साथ क्या यूज़ होता है, आर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यू डैश माई फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू आर माई फ्रेंड। आई डैश गोइंग टू द मार्केट विथ माई मदर, तो आई के साथ क्या आएगा, एम। आई एम गोइंग टू द मार्केट विथ माई मदर, मतलब मैं अपनी मम्मी के साथ मार्केट जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आई डैश वेरी हैप्पी, तो आई के साथ क्या आएगा, एम। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। दिस डैश अबील्स हाउस, अब दिस के साथ भी मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा इज आता है, तो दिस इज अबील्स हाउस, तो क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज अबील्स हाउस, मीन्स ये अपील का हाउस है। तो वी, वी देखिए, वी, अब वी यानी क्या होता है, वी यानी हम, हमारे मतलब हम इंक्लूड होते हैं। जैसे वी यानी क्या होता है, हम जैसे सामने वाले की भी बात कर रहे हैं और हमारी खुद की भी बात कर रहे हैं, हम भी उसमें इन्वॉल्व है, हम भी उसमें इंक्लूड है। तो वी का भी यूज़ होता है हमारे लिए, जैसे हम बोलते हैं वी गो टू द मार्केट, वी आर गोइंग टू द मार्केट, वी आर गुड फ्रेंड्स। तो वी के साथ, वी सिंगुलर तो होता नहीं, वी प्लूरल होता है, वी किसी सिंगल आदमी के लिए यूज़ नहीं होता, मीन्स वी हमेशा प्लूरल आदमी के लिए यूज़ होता है, मीन्स प्लूरल के लिए, प्लूरल मीन्स बहुवचन और सिंगुलर मीन्स एक वचन, तो एक वचन के लिए कभी वी यूज़ नहीं होता, ज़्यादा लोग होते हैं तो वी यूज़ होता है, ओके, उसमें हम भी इंक्लूड होते हैं। तो वी के साथ क्या यूज़ होता है, आर, क्योंकि वी तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमेशा आ रहता है, तो वी आर गुड फ्रेंड्स, मतलब हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब सिद्धार्थ डैश अ टॉल बॉय, सिद्धार्थ भी एक क्या है, सिंगुलर व्यक्ति है, मीन्स एक वचन है, ठीक है ना, एक ही इंसान का नाम है। तो सिद्धार्थ के साथ क्या आएगा, इज। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो फ्रेंड्स। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, राइट एस आफ्टर द वर्ड्स टू शो मीनिंग, ये तो आप सबको आता होगा। यहाँ पे देखिए, ये तो सिंगुलर है, ओके, और ये है प्लूरल। अब यहाँ पे देखिए, एप्पल है, वन एप्पल है तो एप्पल, और फोर एप्पल है तो एप्पल्स, और यहाँ पे देखिए, वन क्लॉक है तो क्लॉक, और यहाँ पे टू क्लॉक है तो क्लॉक्स, पीछे सबके क्या लग जाएगा, एस। अगर सिंगुलर है, एक ही चीज़ है, कोई भी एक चीज़ है, एक इंसान है, कोई कुछ भी एक है, तो उसका नेम आएगा, और अगर जाता है तो उसके पीछे क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एस। जैसे एप्पल के पीछे एप्पल्स, क्लॉक, क्लॉक्स, अम्ब्रेला, अम्ब्रेलास, बॉटल, बॉटल्स, इन सब के पीछे क्या लग जाएगा, एस। बुक, वन बुक है तो बुक, और बहुत सारी बुक है तो बुक्स। आई होप के समझ में आ रहा हो आपको किड्स। अब यहाँ पे देखिए, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, मीन्स हमें जो उसकी मीनिंग्स है उसके साथ वर्ड्स को मैच करने हैं। अब यहाँ पे देखिए, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अब मैंने आपको बन्नू वाले चैप्टर में ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर का मीनिंग समझाया था कि दादाजी और दादी जी, ओके, और अंकल और आंटी का भी मीनिंग समझाया था कि अंकल मीन्स क्या होता है, जैसे चाचा, ताऊ, मौसा, मामा जी, इन सबको अपने क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं, ठीक है ना, और आंटी जैसे मौसी जी, बुआ, ताई जी, इन सबको अपने क्या बोलते हैं, आंटी, चाची जी। तो अब देखिए यहाँ पे, ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर क्या होते हैं, ग्रैंडफादर हम किसको बोलते हैं, मदर या फादर्स के फादर को, मीन्स हमारे जो मम्मी या पापा के जो फादर होते हैं, ठीक है ना, मीन्स पिताजी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर। ग्रैंड मदर किसको बोलते हैं, हमारी माताजी या पिताजी की जो मदर है, मीन्स हमारे पापा की, आप सबके मतलब पापा होंगे, उनके मम्मी होगी, आई होप के, तो आप उनको क्या बोलते हो, ग्रैंड मदर, तो आपके पापा की जो मम्मी हुई वो आपकी क्या हुई, दादी जी, तो इसके साथ मैच करेंगे। अब आंट किसको बोलेंगे, फादर्स या मदर्स की सिस्टर, फादर की सिस्टर तो हो गई बुआ, मदर की सिस्टर हो गई मौसी, तो इन
वो भी हमारी आंटी हो गई, तो इसके साथ मैच करेंगे। अब अंकल किसको बोलेंगे? मदर्स, फादर्स, ब्रदर। मिस मदर के ब्रदर तो हो गए मामा जी, फादर के ब्रदर हो गए ताऊ जी या चाचा जी, तो वो हमारे क्या हुए? अंकल। आई होप कि ये समझ में आ रहा हो आपको किड्स। अब यहाँ पे देखिए, इन द स्पेस बिलो पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ एनी फोर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स नेक्स्ट टू ईच पिक्चर, राइट द पर्सन्स नेम एंड स्टेट हाउ ही और शी इज रिलेटेड टू यू, फादर, मदर्स, ब्रदर्स, सिस्टर एक्सेट्रा। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपके जो मतलब मेंबर हैं, जैसे फैमिली मेंबर हैं, तो उसमें से किसी भी फोर का, जैसे आपके कोई भी हो सकता है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, उसके अलावा ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर है, तो कोई भी फोर आपको यहाँ पे उनकी फोटोज पेस्ट करनी है, मीन्स उनकी पिक्चर्स पेस्ट करनी है। देखिए जैसे है ना, यहाँ पे आपने सपोज आपके ग्रैंड फादर की कर ली या फादर की कर ली, ठीक है, तो यहाँ पे फादर की कर ली फोटो पेस्ट और यहाँ पे उनका नाम लिख दिया, जो भी आपके फादर का नाम है, ठीक है ना, वो लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया कि वो आपके क्या लगते हैं कि हाउ शी और ही इज़ रिलेटेड टू यू, मतलब वो आपसे कैसा रिश्ता रखते हैं। जैसे फादर है तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? फादर। यहाँ पे तो उनकी पिक चिपका दी और यहाँ पे उनका नेम और यहाँ पे उनकी उनका रिलेशन के वो आपके क्या लगते हैं। यहाँ पे मदर की फोटो पिक चिपका दी और यहाँ पे मतलब यहाँ पे उनका नेम नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको उनकी फ़ोटो पेस्ट करनी है, पिक्स स्टिक करनी है, ओके। और यहाँ पे उनका नेम लिख दिया मदर का और यहाँ पे लिख दिया कि वो आपसे कैसे रिलेट करती हैं, मीन्स यहाँ पे आप क्या लिखोगे? मदर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे ग्रैंड फादर है आपके, तो ग्रैंड फादर की पिक यहाँ पे स्टिक कर दी और यहाँ पे ग्रैंड फादर का नाम लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया कि वो आपके क्या लगते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया ग्रैंड फादर। अब यहाँ पे ग्रैंड मदर की पिक स्टिक कर दी, यहाँ पे ग्रैंड मदर का नाम लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया कि वो आपसे कैसे रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ग्रैंड मदर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो किड्स। अब यहाँ पे देखिए, मैच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द पिक्चर्स, ये तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। ईयर्स है तो ईयर्स की पिक्चर ये रही, नोज़ है तो नोज़ की पिक्चर ये रही, फिंगर्स है तो फिंगर्स की पिक्चर ये रही, आईज है तो ये रही पिक्चर, नोज़ है तो ये रही, माउथ है तो ये रही। आप देखा होगा आपने के मैच की हुई है इसमें। अब देखिए, लिसनिंग मतलब हमें ध्यान से सुनना है, लिसन टू द ग्रीटिंग्स एंड देन नंबर द पिक्चर्स करेक्टली। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रीटिंग्स है, ठीक है ना, उसे हमें ध्यान से सुनना है। ग्रीटिंग्स मीन्स जैसे हम किसी से मिलते हैं तो उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं, हेलो विश करते हैं, हाई विश करते हैं, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ऐसे विश करते हैं। किसी का बर्थडे होता है तो बर्थडे विश करते हैं, थैंक यू, ये सब ग्रीटिंग्स होती हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हाय, हेलो, ये सब विश करते हैं। तो हमें देखना है कि अब देखिए यहाँ पे बच्चे हैं वो टीचर को क्या विश कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखिए दोनों फ्रेंड्स आपस में क्या विश कर रहे हैं, एक दूसरे को बोल रहे हैं हाय, एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं हाय। और यहाँ पे देखिए ये मदर इसको सुला रही है तो ये इसको क्या बोलेगी? गुड नाइट, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो किड्स, एंड अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, इमेजिन, अब यहाँ पे राइटिंग आपको राइटिंग करनी है। इमेजिन दैट यू हैव अ ब्रदर हु गोज टू अ प्ले स्कूल, यू हैव टू मेक एन आईडी कार्ड फॉर हिम, कंप्लीट अ कार्ड बिलो, पेस्ट दिस पिक्चर इन द बॉक्स। मीन्स क्या करना है आपको इसमें कहना, इसमें क्या बोल रहा है कि इमेजिन मतलब आप मान लो, अगर आपके पास ब्रदर है छोटा तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप मान लीजिए कि आपका जो छोट कोई ब्रदर है वो कहाँ पे जाता है? प्ले स्कूल में, मीन्स नर्सरी से पहले प्ले स्कूल में बच्चों को बिठाते हैं, आपको पता होगा जहाँ पे बच्चे खेलते कूदते हैं, तो आपका भाई जो है वहाँ पे जाता है प्ले स्कूल में, तो आपको क्या करना है? उसके लिए आईडी कार्ड बनाना है, मीन्स स्कूल में आपको पता है आईडी कार्ड लगता है तो आईडी कार्ड बनाता है, तो यहाँ पे कार्ड अपने को कंप्लीट करना है और उसकी पिक्चर, पेस्ट दिस पिक्चर इन हिज इन द बॉक्स। मीन्स अगर आपके पास कोई आपका भाई है उसकी कोई पुरानी पिक पड़ी हो तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब देखिए, माई नेम इज़, मीन्स आपके भाई का नाम लिखना है इसमें, सपोज आपके भाई का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि
सुरेश महेश ऐसे यहाँ पे आप लिख लीजिए उसका नेम, ठीक है ना, और आपकी सरनेम लगेगी उसके पीछे। फिर वो कितने इयर्स का होता है, मोस्टली प्ले स्कूल में जाने वाला बच्चा 2-2.5 साल का होता है, ज़्यादा 3 इयर्स में तो नर्सरी में आ जाते हैं, 3 इयर्स, 3.5 इयर्स में तो मोस्टली 2 इयर्स या 2.5 इयर्स का होगा प्ले स्कूल में जाने वाला। आई स्टडी इन क्लास, मतलब वो किस में जाता है, प्ले स्कूल में जा रहा है, तो इसमें तो कोई क्लास आएगी नहीं, प्ले स्कूल लिख सकते हो आप यहाँ पे। माँ स्कूल इज कॉल्ड, मतलब स्कूल का नेम लिखना है, बे आप आर्या स्कूल, आर्या पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिख सकते हो यहाँ पे। माई फादर्स नेम इज़, आप उसके फादर का नाम लिखना है, आपके मतलब आपके भाई है तो ऑब्वियसली आपके फादर का नाम ही आएगा। मदर का नाम लिखना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तो फादर का नाम आ जाएगा, यहाँ पे मदर का नाम आ जाएगा। ओके आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो किड्स। अब देखिए यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वर्कबुक में, आपको सिर्फ एक्टिविटीज़ ही करनी है, इसमें कोई लेसन वगैरह रीड आई होप के नहीं करने होंगे आपको, आगे जाके हो सकता है करने हो, बट इसमें आपको ग्रामर ही सीखने को मिलेगा, आपकी ग्रामर और भी ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी ग्रामर डेवलप होगी, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इफ यू हैव एनी क्वेरीज सो यू कैन आस्क मी। ओके टिल देन बाय बाय, थैंक यू।